जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं फिर आपके पास आपके साथ एक और आ गया टॉपिक को डिस्कशन के लिए। जैसे कि आपको पता होगा, हम लोग पिछले वीडियो में लाइट चैप्टर, ऑप्टिक्स चैप्टर के न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे थे। आज भी उसी सिलसिले में मैं वही न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा। आज हम लोग जो टॉपिक होगा न्यूमेरिकल डिस्कस करने में, उसमें डिफेक्ट ऑफ आई से रिलेटेड होगा और प्रिज्म से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग पिछले वीडियो को अच्छे से देख रहे होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जहां पर भी आपको दिक्कत आए तो बिना हेजिटेशन आप वो हमको बताइए और आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल सबको अच्छे नहीं लगते हैं, मैं जानता हूं, लेकिन बेटा आप न्यूमेरिकल से बच नहीं सकते हो, तो कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल को आपको टच करना पड़ेगा। नहीं, आप 10th में 12th में तो आपको कंपटीशन में टच करना पड़ेगा, बिना इसके आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। आज का जो हमारा टॉपिक है, फर्स्ट न्यूमेरिकल, अ पर्सन विद नियर साइडनेस कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट मोर देन 1 मीटर अवे फ्रॉम हिज आई। निकट दृष्टि दोष, सी ये जो लिखा है ना, नियर साइटनेस जिसको बोलते हो हिंदी में, देखिए ऊपर लिखा है निकट दृष्टि दोष। ठीक है, इसका मतलब होता है कि वो निकट पास की वस्तु तो आसानी से देख लेगा, लेकिन दूर की ऑब्जेक्ट नहीं देख पाता। ठीक है, इसको दूर करने के लिए हम क्या लगाते हैं, इसको दूर करने कॉनकेव लेंस लगाते हैं, अवतल लेंस लगाते हैं। ठीक है, तो एक आंसर यही आ गया। देखो लिखा हुआ है कि 1 मीटर अवे फ्रॉम दिस लेंस, व्हाट इज द फोकस दिस, फोकस दिस एंड कैपेसिटी लेंस, यानी कि इसकी पावर, कैपेसिटी नहीं यहां पर है, पावर है ये। ठीक है, इसको पावर लिख के दे रहे हैं। पावर लेंस रिक्वायर्ड टू सी एन ऑब्जेक्ट ऑन इंफिनिटी आल्सो डिस्क्राइब द नेचर। अब नेचर कैसा होगा भाई, कॉनकेव होगा, ये तो मैंने अभी बता दिया, क्योंकि ये नियर निकट दृष्टि दोष है, नियर साइडनेस। अब यहां इसको हम इसकी फोकस कैसे निकालेंगे, पावर कैसे निकालेंगे। देखो भाई, इमेज कहां बननी है, वो 1 मीटर, 1 मीटर तक की वस्तु, 1 मीटर पे अगर इमेज बनती तब तो आसानी से देख लेगा, लेकिन उससे उस पे नहीं देख पाता है। ठीक है, वस्तु कहां रखी है, इन्फिनिटी पे, तो फोकस क्या होना चाहिए पता करना। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा दीजिए, 1/f इज इक्वल टू 1/b - 1/u। ठीक है, अब कॉनकेव लेंस है तो इसमें यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यू क्या आ जाएगा, ये भी निगेटिव हो जाएगा। इसमें रख दिए 1/f इज इक्वल टू 1/-1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/∞। 1/∞ 0 होता है, तो ये हो जाएगा f इज इक्वल टू -1 मीटर, यानी कि इतना आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब जैसे यहां पे देखो क्या लिखा है, 100 सेंटीमीटर लिखा है, तो 1 मीटर को चाहे 100 सेंटीमीटर का लो, माइनस क्या दिखा रहा है, माइनस दिखा रहा है कॉनकेव लेंस है। ठीक है, यहीं से इसकी पावर भी निकाल सकते हो, P इक्वल टू 1/f, वो भी किसमें होने चाहिए, मीटर में, यानी कि P इक्वल टू 1 डायोप्टर, वो भी किसमें हो जाएगा, माइनस में। क्लियर, ये पहला आपका क्वेश्चन हो गया। चलो भाई, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, देखो इसमें भी लेंसेस के फॉर्मूले ही यूज हो रहे हैं, क्योंकि लेंसेस ही इसमें यूज हो रहे हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि वो भी निकट दृष्टि दोष से ही है, कह रहा है कि एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित पुस्तक को स्पष्ट पढ़ लेता है। मतलब जो भी पुस्तक कहीं भी रखी हो, उसकी इमेज कहां बन रही है, 20 सेंटीमीटर पे, यानी कि वी इज इक्वल टू है आपका 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब निकट दृष्टि दोष से सही सी बात है, कॉनकेव लेंस यूज करना पड़ेगा। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए, यानी कि यू इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर दूर रखी है, रखना है अगर, तो हमारा एफ कितना होगा, जाहिर सी बात है 1/f इज इक्वल टू 1/b - 1/u। ठीक है, अब इसमें भी साइन कन्वेंशन रूल, तो कॉनकेव में दोनों माइनस होते हैं, तो अब यहां से वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/f इज इक्वल टू -1/20, ये हो जाएगा +1/25। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, ये आपका -5/100 और +4/100, ये हो जाएगा 1/100, वो माइनस का 1/f, यानी कि f आ जाएगा आपका -100 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो आपका आंसर क्या। ठीक है, अब
पावर भी निकाल सकते हो, पी इक्वल टू 1/f, वो भी मीटर में। यह आंसर आपका आया है सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 1 डायोप्टर आंसर आ जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आपको इसमें बस ये देखना है कि वस्तु वो जो निकट दिश दोष अगर केस कह रहा है तो निकट दिश दोष होता क्या है कि इसमें निकट की तो देख लेगा लेकिन दूर की वस्तु को वो नहीं देख पाता है। ठीक है, अब देखो तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं कि अ पर्सन कैन सी क्लियरली ओनली एन ऑब्जेक्ट लोकेटेड एट 50 मीटर अवे, 50 मीटर दूर इसी वस्तु को स्पष्ट देख लेता है, वो इससे अधिक दूर की एंड मोर डिस्टेंस देन दैट इफ द ऑब्जेक्ट नॉट क्लियर विजिबल, मतलब इससे दूर ऑब्जेक्ट को वो दिखाई नहीं देती है, मतलब 50 मीटर दूर तक को देख लेता है, उससे दूर नहीं देख पाता है, मतलब निकट दृष्टि दोष हो गया। ठीक है, निकट दृष्टि दोष हो गया। अब यहाँ पे सीधे सीधे क्या लगाना है, तो ये 50 मीटर दूर देख लेते हैं यानी कि वी इक्वल टू आपका 50 मीटर। ठीक है, तो आपका यू कहाँ रखा है, इन्फिनिटी। तो अब ये देखिए, पहला तो देखो भाई, पहला तो कौन सा देश है, निकट दृष्टि दोष हो गया। ठीक है, बहुत दूर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए किस प्रकार का लेंस लगाना पड़ेगा, तो अवतल लेंस ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, और दूर ऑब्जेक्ट रखिए इनकी इन्फिनिटी, तो एफ हमको निकाल देना है। ठीक है, जब 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए और तुरंत हमारा आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए एक ही है लेकिन तीन तरीके से पूछा, इसे पूछा इसका, ऐसे भी पूछा जा सकता है, ऐसे पूछा सकता है, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखो भाई, अब कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक वस्तु, निकट दृष्टि दोष है मतलब अवतल लेंस लगाना पड़ेगा। ठीक भाई, 2 मीटर की दूरी को देख सकता है यानी कि v इक्वल टू 2 मीटर, उसे टहलने के लिए किस प्रकृति का लेंस, मतलब कॉनकेव लेंस चाहिए, फोकस दूरी u कहां पे होना चाहिए, अनंत पे होना चाहिए, f कितना हमको पता करना है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u, तो 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/2 माइनस प्लस 1/∞, 1/∞ 0 हो जाएगा यानी कि f इज इक्वल टू -2 आपका मीटर, यानी कि इस तरीके से ये आपका लेंस आ जाएगा। पावर निकालना है तो p इज इक्वल टू 1/f, ये भी कितना होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए, f की वैल्यू पुट कर दिए, 0.5 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे। क्लियर, ये जो आपके दे रखे हैं ये क्वेश्चन एक ही है लेकिन अलग अलग तरीके से घुमावदार करके पूछा गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी लगा वैसे ही है लेकिन उसमें अब निकट दृष्टि दोष नहीं है, इसमें दूर दृष्टि दोष हो गया। ठीक है, इसमें दूर दृष्टि दोष है, फार साइडनेस है, मतलब दूर की वस्तु तो देख लेगा, पड़ोस की वस्तु नहीं देख पाता है। क्लियर, देखो भाई कह रहा है कि क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसमें दूर दृष्टि दोष से पीड़ित, देखो ये वाला क्वेश्चन, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित एक वस्तु व्यक्ति कम से कम 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, 50 सेंटीमीटर दूरी पर रखी उसको स्पष्ट देख सकता है, इस व्यक्ति के दोष निवारण हेतु चश्मे में प्रयुक्त लेंस की प्रकृति, फोकस दूरी, क्षमता ज्ञात करो, स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, कितनी है आपकी, ये आपकी 0.25 मीटर है। ठीक है, या 25 सेंटीमीटर। क्लियर, अब देखो इसमें कह रहा है कि वो व्यक्ति कितना देख लेता है, 50 सेंटीमीटर दूरी पर रख लेता है, यानी कि वी इक्वल टू कितना हो गया आपका 50 सेंटीमीटर। वस्तु कहाँ रखी होनी चाहिए, कम से कम u इक्वल टू 25 मीटर, देर का सेंटीमीटर चेंज कर लेंगे, 25 सेंटीमीटर। हमको f निकालना है। अब ये तो पता हो गया कि दूर दृष्टि तो कहीं रखा है तो इसमें उत्तल लेंस लगाएंगे, ये तो श्योर है, तो अब हम यहां से साइन कन्वेंशन रूल लगा लेते हैं, दोनों आपके ये माइनस लगते हैं। ठीक है, तो यहां से 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस 1/50 माइनस माइनस प्लस 1/25, ये हो जाएगा आपका माइनस 1/50 और प्लस 2/50, ये हो जाएगा 1/50, यानी कि f इज इक्वल टू हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। देखो आंसर आपका। क्लियर, और पावर निकालना है तो p इज इक्वल टू 1/f, वो भी किसमें, मीटर में होना चाहिए, तो ये जो आंसर आया आपका सेंटीमीटर में, उसको मीटर में चेंज कर दीजिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, बस उसका जो पॉइंट है कहां तक वो देख पा रहा है, बस उसको v मान लीजिए, बस खत्म, चाहे निकट हो चाहे दूर। क्लियर,
चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, सिक्स नंबर क्वेश्चन। दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति अधिक से अधिक 125 सेंटीमीटर की दूरी तक ही देख सकता है, मतलब इतनी दूरी तक ही देख सकता है, तो क्या हो जाएगा आपका? V इज इक्वल टू 125 सेंटीमीटर। सही दृष्टि के लिए उसे किस फोकस दूरी का लेंस ज्ञात करना चाहिए, और जबकि ऑब्जेक्ट कहाँ रखी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर रखी होनी चाहिए। एफ आपको निकालना है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v-1/u। अब दूर दृष्टि से तो लेंस लगेगा, ठीक है, तो यहां पर क्या ये दोनों माइनस, यहाँ पहले पहले पुट कर देंगे, तुरंत आपका ये वाला आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है हल्के से और तुरंत आंसर आ जाएगा। अब आते हैं अपवर्तनांक मतलब प्रिज्म वाले क्वेश्चन। कह रहा है कि यदि 1.5 अपवर्तनांक इफ द एंगल ऑफ अ प्रिज्म विद रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.5, यानी कि आपका म्यू दे रखा है 1.5, एंगल प्रिज्म एंगल है 60 डिग्री, पूछ रहा है मिनिमम डेविएशन डेल्टा एम पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो एक फॉर्मूला भैया होता है, म्यू इक्वल टू शाइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू, ठीक है, पहले पुट कर दीजिए। म्यू कितना है 1.5, 1.5 इज इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन 30, क्योंकि ए बाई टू 60/2 30 हो जाएगा। तो अब यहां पे इसको यहां ले जाओ तो जाएगा 1.5 इंटू साइन 30, साइन 30 का वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई टू। अब इसको 2 से डिवाइड करिए, कितना जाएगा 0.75, ठीक है। अब देखो जरा ये 0.75 और क्वेश्चन में देखो जरा कह रखा है 0.75 किसके बराबर है, साइन 49 के, तो यहां लिख सकते हो ये साइन 49 इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई टू। अब साइन साइन ही हट जाएगा तो 49 इज इक्वल टू ये आपका 60 प्लस डेल्टा एम बाई टू। अब यहां से वैल्यू हम निकाल लेंगे डेल्टा एम की, आएगी कितनी 38 डिग्री, ठीक है। सीधे सीधे हमको भैया ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। देखो भाई हमको एक फॉर्मूला और पता है, म्यू इज इक्वल टू डेल्टा -1 इंटू ए, ठीक है, लेकिन ये हम फॉर्मूला तब लगाएंगे जो प्रिज्म एंगल आपका 10 डिग्री से छोटा हो। ध्यान रखिएगा म्यू इक्वल टू डेल्टा -1 इंटू ए, ये फॉर्मूला भी हम लगा सकते हैं, लेकिन ये कब लगेगा, जब प्रिज्म एंगल लेस देन 10 डिग्री होगा। यहाँ प्रिज्म एंगल कितना है आपका, देखो जरा 60 डिग्री है, इसलिए ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, तो हम बड़का वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, सारे फॉर्मूले का भैया खेल है, आप देख रहे हो कि जितने अच्छे से फॉर्मूले हमको याद हैं उतने अच्छे तरीके से हम न्यूमेरिकल के साथ लड़ सकते हैं, अदरवाइज न्यूमेरिकल हमको धराशाही कर देता है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल, तब तक पढ़िए जरा नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, नेक्स्ट न्यूमेरिकल को तब तक रीड करिए, ठीक है। देखो भाई नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, इफ द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ 60 डिग्री, यानी कि आपका कह रहा है प्रिज्म एंगल कितना है आपका 60 डिग्री, ठीक है, मिनिमम डेविएशन कितना दे रखा है 30 डिग्री, पूछ रहा है आई एंड आर बता, सॉरी आर आर बताना है कितने होंगे, ठीक है, इंसिडेंस एंगल और रिफ्रैक्टिव एंगल आपको बताना है। तो हमको पता है ना चाहिए फॉर्मूले, आर इज इक्वल टू ए बाई टू, ये फॉर्मूला होता है, ये कब फॉर्मूले है, जब ये आप कंडीशन लिखियो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, तभी हम आर इक्वल टू ए बाई टू फॉर्मूला लगाते हैं। और एक फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम बाई टू, बस यही दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, वैल्यू पुट कर दीजिए, देन आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 डिग्री, और आई इज इक्वल टू आ जाएगा 60 प्लस 30/2, यानी कि आई इज इक्वल टू 45 डिग्री। देखिए आपके आंसर, ठीक है। तो इसी के साथ ही हम लोगों ने लाइट के चैप्टर्स अच्छे, लाइट के चैप्टर के न्यूमेरिकल अच्छे से पढ़ डाले हैं, बस आपको प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप इतने ही न्यूमेरिकल्स की अच्छे से प्रैक्टिस कर डालोगे तो हमको नहीं लगता आपको परेशानी आने वाली है। फिर भी जहां आपको दिक्कत है, जिस भी बुक से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, आप हमको
क्वेश्चन उसमें कमेंट बॉक्स में आप न्यूमेरिकल सेंड कर दीजिएगा, ठीक है, तो आपका तुरंत सॉल्यूशन में प्रोवाइड कर दूंगा, या कहीं पर भी जो भी आपको लगे कि हाँ ये कॉन्सेप्ट मुझको पल्ले नहीं पड़ रहा है, आप वो बताइएगा तो मैं वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा सॉल्यूशन उसका, ठीक है। या जो टॉपिक आपको समझ में आए वो टॉपिक बताइएगा, मैं उस टॉपिक पे वीडियो आपको बना दूंगा, देखिए आपको बस प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, जहाँ भी मेरी जरूरत हो बिल्कुल बताइए, आपको सोल्यूशन मिलेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल के साथ, तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय, जय।